2.7.2 यौगिक कंपाउंड्स। हमारे आसपास ऐसे कई पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। ये पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक यौगिक है जो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन तथा जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बनता है, लेकिन पानी न तो ज्वलनशील होता है और न ही जलने में सहायक होता है, बल्कि वह ज्वाला को बुझाता है। पानी में उपस्थित अवयवों के अनुपात को जानने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया, जिसमें एक चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली काट दी गई। बोतल के मुंह पर दो छिद्र वाला रबर कॉर्क लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की दो छड़ें लगा दी गईं। बोतल को चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया। उल्टी रखी बोतल में दो तिहाई जल भरकर कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली गईं। जल से भरी कांच की दो परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार रखा गया कि परख नलियों में हवा बिल्कुल न जाए और परख नलियां पानी से पूरी भरी रहें। दोनों इलेक्ट्रोडों को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। दोनों परख नलियों में एकत्र हो रही गैसों को ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों परख नलियों में समान दर से गैसें एकत्रित नहीं होती हैं। जब एक परख नली में पूरा पानी नीचे उतर गया, अर्थात परख नली गैस से पूरी भर गई, तब दूसरी परख नली में एकत्रित गैस का आयतन लगभग आधा था। इस प्रकार दोनों परख नलियों में एकत्रित गैसों के आयतन में अंतर था। जब आधी भरी परख नली गैस से पूरी भर गई तो उसे भी बीकर से बाहर निकाल लिया गया। क्रमशः दोनों परख नलियों के मुख के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाई गई। तब देखा गया कि जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन तथा स्वयं जलने वाली गैस हाइड्रोजन का आयतन के अनुसार पानी में अनुपात 2:1 था। इस क्रियाकलाप के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि पानी एक यौगिक है जो दो तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयतन अनुसार अनुपात 2:1 में रासायनिक संयोग से बनता है तथा इस बने हुए पदार्थ के गुण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। इसके अवयवों को रासायनिक विधियों जैसे विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि जल में भार की दृष्टि से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात की गणना की जाए तो यह सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ऐसे ही परिणाम अन्य यौगिकों के अध्ययन से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किए गए प्रयोग में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा 12:32 प्राप्त हुआ। प्राउस्ट ने इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कोई भी यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है उसमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो। इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अमोनिया, खाने का सोडा आदि भी यौगिकों के अन्य उदाहरण हैं। इनमें भी अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर अनुपात नियम के अनुसार ही पाया जाता है।